हाय बच्चों, मेरा नाम राज पांडे। वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल। अब हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट क्वेश्चन भारत का सैन्य इतिहास, ये जो है पढ़ेंगे हम लोग, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हम लोग आज इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, खंड अ का दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ेंगे, भारत का सैन्य इतिहास। ठीक है, भारत का सैन्य इतिहास क्या रहा हुआ है, भारत में सैन्य इतिहास में क्या क्या किया गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, खंड अ, इसमें खंड अ में दीर्घ उत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे, लॉन्ग टाइप सेंसर क्वेश्चन। ओके बच्चों, यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है, वैदिक काल में सैन्य व्यवस्था का वर्णन कीजिए। वैदिक काल में सैन्य व्यवस्था क्या थी, उसका हम लोग को क्या करना है, वर्णन करना है। उसका हम लोग को क्या करना है, वर्णन करना है। वैदिक काल में सैन्य व्यवस्था का वर्णन करना है, उस समय क्या था। उत्तर, युद्ध का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना मानव जाति का है। युद्ध का इतिहास जो है उतना ही प्राचीन है जितना मानव जाति का इतिहास है। मानव जाति का जितना पुराना इतिहास है उतना ही युद्ध का इतिहास भी है, शुरू से ही चलता आ रहा है। जब मानव रहेगा तो युद्ध होगा ही, कंपल्सरी है। वस्तुतः युद्ध के कारण ही मानव सभ्यता का विकास हुआ। युद्ध के कारण ही मानव सभ्यता का क्या हुआ, विकास हुआ। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, युद्ध, वस्तुतः युद्ध के कारण ही मानव सभ्यता का विकास हुआ है। युद्ध की प्रक्रिया निरंतर चली आ रही है। युद्ध की प्रक्रिया क्या कर रही है, निरंतर चली आ रही है, शुरू से ही चली आ रही है। प्रश्न यह है कि भारत में सैन्य काल या सैन्य पद्धति का आरंभ कब हुआ। प्रश्न क्या है कि भारत में सैन्य पद्धति का विकास कब हुआ, सैन्य कब आरंभ हुआ। भारतवर्ष में यौधिक इतिहास का लेखा जोखा वैदिक काल से ही प्राप्त होता है। भारतवर्ष में यौधिक का इतिहास का लेखा जोखा वैदिक काल से ही प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, वैदिक काल से। देखिए यहां, वैदिक काल से ही प्राप्त होता है। ठीक है, भारत का सैन्य इतिहास कब से प्राप्त होता है, वैदिक काल से ही प्राप्त होता है। इसके पूर्व मात्र अनुमान के आधार पर, इसके पूर्व मात्र अनुमान के आधार पर, गेस के आधार पर इतिहास लिखा गया है। इतिहास तो गेस करके ही लिखा गया है ना। सब जीव जगत का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद है। देखिए यहाँ, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद है। याद रखिए, सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद। ऋग्वेद युद्ध के इतिहास से परिपूर्ण है। ऋग्वेद क्या है, युद्ध के इतिहास से क्या है, परिपूर्ण है। युद्ध का जितना कला है, सैन्य इतिहास, उसमें ऋग्वेद में हम लोग को वो पढ़ने को मिलता है। ठीक है, ऋचाओं अर्थात स्तुति मंत्रों का संग्रह क्या है, ऋग्वेद क्या है, ऋचाओं अर्थात स्तुति मंत्रों का संग्रह है, कलेक्शन है। इन ऋचाओं में इंद्र के युद्ध एवं शौर्य का वर्णन मिलता है। इन ऋचाओं में क्या मिलता है, इंद्र के युद्ध और शौर्य का वर्णन मिलता है। ऋचाओं में क्या मिलता है, इंद्र के युद्ध और शौर्य का वर्णन मिलता है। वैदिक काल सैन्य दृष्टि से बहुत ही समृद्ध युग है। वैदिक काल समृद्ध दृष्टि से क्या है, बहुत ही समृद्ध युग है। समझ में आ रहा होगा बच्चों, समृद्ध दृश्य। वैदिक काल में राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन, वैदिक काल में राजनीतिक और सामाजिक संगठन क्या, उस पर फोकस डालना। इस काल में सामाजिक व्यवस्था, इस काल में सामाजिक व्यवस्था क्या थी, आधुनिक सम्मुनत थी। इस काल में सामाजिक व्यवस्था आधुनिक सम्मुनत थी। तत्कालीन समाज दो रूपों में विभक्त था। कितने रूपों में विभक्त था, दो रूपों में विभक्त था, टू टाइप्स में डिवाइडेड था। पहला आर्य तथा दूसरा अनार्य, जिसे दस्यु असुर आदि भी कहा जाता था। पहला आर्य तथा दूसरा अनार्य। अनार्य को क्या बोला था, दस्यु असुर, असुर आदि भी कहा जाता था। आर्यों ने अपने समाज के कार्य अनुरूप, आर्यों ने अपने समाज के कार्य अनुरूप चार भागों में बांट रखा था। कितने भागों में बांट रखा था, चार भागों में। कौन कौन चार भाग है, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर से नोट कीजिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार भागों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोग को। इनमें से युद्ध का दायित्व क्षत्रिय वर्ग, इनमें से युद्ध का दायित्व किसको था, क्षत्रिय वर्ग को था।
होता था। देश की रक्षा करना उत्तम कार्य माना जाता था। युद्ध का दायित्व किस पर रहता था? क्षत्रिय वर्ग में, ठीक है। देश की रक्षा करना उत्तम कार्य माना जाता। वैदिक काल में राजतंत्र द्वारा शासन, वैदिक काल में किसके द्वारा शासन किया जाता था? राजतंत्र के द्वारा शासन होता था। राज्य का मुखिया कौन होता था? बताइए, राज्य का मुखिया राजा हुआ करता था। कौन? देखिए यहां, राज्य का मुखिया राजा हुआ करता था। बच्चों अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके पास राज्य की समस्त शक्ति होती थी, उसके पास राज्य की समस्त शक्ति होती थी। राजा के पास क्या हुआ करती थी? राज्य की समस्त शक्तियां। राजा रहेगा तो वाकिफ सी बात है कि उसके पास समस्त शक्तियां रहेंगी। आर्यों ने जब भारत में प्रवेश किया, उन्हें यहाँ के वासियों से लंबा संघर्ष करना पड़ा। आर्य जब आए, नए नए कोई लोग आएंगे तो भाई यहाँ के जो लोग रहेंगे वो तो अटैक करेंगे ही ना। तो आर्यों ने जब भारत में प्रवेश किया तो यहाँ के मूल निवासियों को जो है लंबा संघर्ष करना पड़ा। क्या करना पड़ा? लंबा संघर्ष करना पड़ा। आर्य एवं अनार्य के मध्य संघर्ष के साथ साथ आर्यों के बीच आपसी संघर्ष भी होते रहे। आर्यों के बीच आपसी संघर्ष भी हुआ करते थे। इनके बीच दस राजाओं का युद्ध का उल्लेखनीय है। दस राजाओं का युद्ध, दशराग युद्ध। आर्यों के मध्य जो आपसी संघर्ष हुए, आर्यों के मध्य जो आपसी संघर्ष हुए उन्हें परुषणी, वर्तमान में रावी। परुषणी का पुराना रावी का पुराना नाम क्या है? परुषणी। परुषणी का नया नाम क्या है? रावी नदी के तट पर लड़ा गया। दशराग युद्ध किस तट पर लड़ा गया? रावी नदी के तट पर। देखिए बच्चों यहां पे भूलिएगा नहीं आप, रावी, इसी को बोलेंगे परुसरणी। परुसरणी, परुसरणी के तट पर लड़ा गया। वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया। युद्ध की युद्ध हुआ था। आर्यों ने भरत जन राजा सुदास थे। आर्यों के भरत जन क्या थे? राजा सुदास थे। आर्यों के भरत जन का राजा सुदास थे। वह वीर सेना नायक थे। क्या थे? वीर सेना नायक थे। सुदास के पड़ोसी जन के राजा उसमें ईर्ष्या करते थे। सुदास के पड़ोसी जन के राजा तो थे, उसमें ईर्ष्या करते थे। ऐसा माना जाता है कि, क्या माना जाता है? भरत जन के पुरोहित विश्वामित्र के बाद उन्हें इस पद से हटकर वशिष्ठ का राजरोहित बना दिया गया है। बच्चों इस चैनल के माध्यम से जो हम बीए का समस्त एजुकेशन और जितने उसके सब्जेक्ट हैं हम लोग पूरा कर सकते हैं। इस चैनल को आप देखते रहिए, समस्त आप लोग का जो है सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। क्रोधित होकर विश्वामित्र ने पश्चिमी पंजाब के 10 राजाओं का, क्रोधित होकर क्या किए विश्वामित्र? पश्चिमी पंजाब के 10 राजाओं का क्रोधित होकर विश्वामित्र ने पश्चिमी पंजाब के 10 राजाओं का क्या किया? संघ बनाकर भरत कुल के राजा सुदास पर युद्ध की घोषणा कर दी। किस पर युद्ध की घोषणा कर दी? सुदास पर। सुदास एवं 10 जनों के बीच युद्ध हुआ था ना, सुदास पर युद्ध की घोषणा कर दी। किस पर युद्ध की घोषणा कर दी? सुदास पर। माना जाता है कि रावी नदी, कौन नदी? रावी नदी बहुत फेमस नदी है, परुषणी, रावी नदी के तट पर इस युद्ध में दोनों पक्षों के रथीन एवं पदुत्ती सेना का खुलकर प्रयोग किया गया। क्या किया गया? खुलकर प्रयोग किया गया। 10 राजाओं के युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई और 10 राजा पराजित हुए। 10 राजाओं के युद्ध में राजा सुदास की क्या हुई? विजय हुई और 10 राजा क्या हुए? पराजित हुए। विश्वामित्र द्वारा रचित था। सेना एवं संगठनात्मक स्वरूप, सेना एवं संगठनात्मक स्वरूप क्या था? किस तरह गठजोड़ करके सेना का अंग भाग चलाया जाता था? वैदिक काल में अस्थायी सेना नहीं होती थी। देखिए यहाँ, वैदिक काल में अस्थायी सेना नहीं होती थी, ठीक है। वैदिक काल में जो है अस्थाई सेना नहीं होती थी। ओके ये बच्चों, यहां से था ना, वैदिक काल में अस्थाई सेना नहीं होती थी। इस समय सेना में दो अंग थे, पैदल सेना, पदाति सेना एवं रथिन प्रमुख थे। पदाति सेना एवं रथिन प्रमुख थे। पदाति मतलब पैदल और रथिन रथ पर वर। इस काल में रथ सेना का अधिक महत्व था, रथों का। इस सेना में अधिक महत्व रथों का था। में छह छह घोड़े को जोता जाता था। कितने घोड़े को जोता जाता था? छह छह घोड़ों को जोता जाता था। छह छह घोड़ों को जोता जाता था, ठीक है। छह छह घोड़ों को जोता। आरंभिक काल में रथों में बैलों तथा खच्चरों का प्रयोग किया जाता
था। आरंभिक काल में बैलों तथा खच्चरों का रथों में प्रयोग किया जाता है, आगे चलकर रथों में घोड़ों का प्रयोग किया जाने लगा। आगे चलकर रथों में क्या किया जाने लगा, घोड़ों का प्रयोग किया। रथों में सारथी रथों का संचालन करते थे। रथ कौन चलाएगा, सारथी चलाएंगे, ठीक है। सारथी रथों का संचालन करते थे। रथों का प्रयोग अधिकांशतः राज परिवार के लोग करते थे। रथिनी योद्धा धनुष बाण व भाले का प्रयोग करते थे। रथिनी योद्धा क्या करते थे, धनुष व भाले का उपयोग करते थे। धनुष बाण व भाले का उपयोग करते थे। रथिनी योद्धा क्या करते थे, धनुष व भाले बाण का उपयोग करते थे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बच्चे आप लोग को। पदाति सेना में छत्री जाति के लोग ही होते थे। पदाति सेना में, पदात मतलब पैदल, सेना में छत्री जाति के लोग हुआ करते। किस जाति के लोग, छत्री जाति का, भूलना नहीं है, ठीक है। छत्री जाति के लोग हुआ करते। ये अपने अपने कुल के नेता के अधीन एकत्रित होते। ये अपने अपने कुल के नेता के अधीन क्या होते थे, एकत्रित होते थे। पदाति सेना की सबसे छोटी टुकड़ी कौन सी थी, पदाति सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को पति एवं उसके नायक को पति संज्ञा दी जाती थी। किसकी संज्ञा दी जाती थी, विपत्ति की संज्ञा दी जाती। सैन्य प्रशिक्षण, सैन्य प्रशिक्षण क्या था, देखिए यहाँ सैन्य प्रशिक्षण किस तरह सेना का, जब पुलिस में हम लोग भाग लेते हैं तो उसका भी ट्रेनिंग होता है, मिलिट्री में भाग लेते हैं उसका भी ट्रेनिंग होता था। पहले जमाने में वैदिक युग में क्या होता था, उस समय भी सैन्य प्रशिक्षण होता था। सैन्य प्रशिक्षण किस टाइप से होता था, देखिए यहाँ वही बताया गया। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था ऋषि मुनियों के आश्रमों में होती थी। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था किस में होती थी, ऋषि मुनियों के आश्रम में, गुरुकुल में हुआ करती थी। बच्चों आप लोगों को, राज्यों की स्थायी सेना न होने के कारण सैनिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य की तरफ से, किसके तरफ से, राज्य की तरफ से नहीं होती थी। फिर से रिपीट करते हैं इस लाइन को, राज्यों की स्थायी सेना न होने के कारण, राज्यों में स्थायी सेना नहीं होती थी तो प्रशिक्षण की व्यवस्था कहां होती थी, राज्यों की तरफ से नहीं होती थी, राज्यों की तरफ से नहीं होती थी। ओके, इज दैट क्लियर। आश्रमों में छत्री युवकों को, आश्रमों में किसको दिया जाता था, छत्री युवकों को शस्त्र एवं शास्त्र का अध्ययन एवं प्रशिक्षण दिया जाता था। आश्रमों में छत्री युवकों को क्या दिया जाता था, शस्त्र एवं शास्त्र का प्रशिक्षण दिया जाता था। किसको दिया जाता था, छत्री युवकों को। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहां, अस्त्र शस्त्र। अब अस्त्र शस्त्र में क्या हुआ करते थे, देखिए यहाँ, वैदिक काल शस्त्रास्त्रों की दृष्टि से बहुत संपन्न था। वैदिक काल किस दृष्टि से संपन्न था, देखिए शस्त्रास्त्रों, शस्त्रास्त्र ओके दृष्टि से बहुत संपन्न। आर्यों के पास, आर्यों के पास क्या हुआ करते थे, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र थे। आर्यों के पास क्या थे, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र थे। देवताओं के राजा इंद्र का 100 से अधिक शस्त्रास्त्र से सुसज्जित। देखिए देवताओं के राजा इंद्र तो बहुत प्रचलित थे, युद्ध का नेता, बलों किसके देवता, मरुत के देवता, ये सब बहुत सारे प्रचलित थे देवताओं के। इसमें इंद्र का जो है बहुत बार उल्लेख किया गया है। तो इंद्र क्या करते थे, देवताओं के राजा इंद्र का 100 से अधिक शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होने के कारण उन्हें शतानिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, देखिए शतानिक, शतानिक क्या कहा जाता था, शतानिक, ठीक है। अधिक शस्त्रास्त्र सुजित होने का कारण शतानिक कहा जाता था। इस काल में आक्रामकता एवं सुरक्षात्मकता दोनों प्रकार के शस्त्रों का उल्लेख मिलता है। इस काल में आक्रामकता एवं सुरक्षात्मकता दोनों प्रकार के शस्त्रों का उल्लेख मिलता है। धनुर्वेद में अनेक प्रकार के धनुष एवं बाणों तथा, धनुर्वेद में जो है अनेक प्रकार के धनुष एवं बाणों तथा अग्न्यस्त्रों का वर्णन है, अग्न्यस्त्रों का वर्णन है, ठीक है। उस समय प्रक्षेपास्त्र के उन्नत किस्मों का प्रयोग किया जाता था। प्रक्षेपास्त्र, पहले प्रक्षेपास्त्र चलते थे, अग्नि बाण, प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये सब चला करते थे। प्रथम प्रक्षेपास्त्र का उन्नत किस्मों का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद, देखिए यहाँ ऋग्वेद क्या कहता है, ऋग्वेद में मुख्य रूप से शस्त्रास्त्रों में से आद्र, दर्शन, अंकुश, स्वादिति, काशी, परशु, रमणी, शक्ति, शरु तथा असि प्रमुख थे। फिर से रिपीट कीजिए इसको, ऋग्वेद में मुख्य रूप से शस्त्रार्थों में से आद्र, दर्शन, अंकुश, स्वादिति, काशी, परशु, ऋषि, रमणी, ठीक है, शक्ति, शरु तथा असि प्रमुख थे। धनुर्वेद में मंत्र मुक्ति शस्त्रार्थों का प्रयोग किया जाता था। धनुर्वेद में क्या प्रयोग किया जाता था, मंत्र मुक्ति शस्त्रार्थों का प्रयोग किया जाता था। जिनका जिनका क्या था, जिनका प्रयोग मंत्र पढ़कर किया जाता था। जिनका प्रयोग किसका, क्या पढ़कर किया जाता था, मंत्र पढ़कर किया जाता था। इन अस्त्रों का नामकरण देवताओं के नाम पर किया जाता था। इन अस्त्रों का नामकरण किस पे किया जाता था, अस्त्रों का पहले देवताओं के नाम पर नामकरण किया जाता था। विष्णु अस्त्र,
ठीक है, देखिए यहाँ देवताओं के अस्त्र, देवताओं के नाम पर नामकरण किया गया है। कौन अस्त्र है? विष्णु अस्त्र, इंद्र अस्त्र, वज्र, ब्रह्मास्त्र, कालपाश, नारायण अस्त्र, पशुपति अस्त्र आदि प्रसिद्ध थे। ये तो सब तो याद ही हो जाता, विष्णु अस्त्र, नागपाश, ब्रह्मास्त्र, वज्र, नारायणास्त्र, पशुपति अस्त्र, सब याद हो जाएंगे, अस्त्र आदि प्रमुख हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अग्नेयास्त्र एवं वरुणास्त्र प्रमुख थे। अग्नेयास्त्र और वरुणास्त्र क्या थे? प्रमुख थे। इन शस्त्रार्थों के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से सैनिक वमन की कवच धारणा करते थे तथा बार बार धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के कारण हाथ को चमड़े की रगड़ से बचाने के लिए हाथों में हस्तघन पहना जाता था। ठीक है, इन देखिए वमन की कवच धारण करते करते था बार बार धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का हाथ को चमड़े की रगड़ से बचाने के लिए हाथों में हस्तघन पहना जाता था। सिर की सुरक्षा के लिए शिरस्त्राण पहना जाता था। सिर की सुरक्षा के लिए क्या पहना जाता था? शिरास्त्राण पहना जाता था। देखिए इस लाइन को अच्छे से बता देते हैं। इन शस्त्रास्त्रों के साथ सुरक्षा की दृष्टि से सैनिक वमन की कवच धारण कवच पहनते थे। जैसे आज हम लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, उस तरह वो उस समय कवच पहना जाता था। बार बार धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने हाथ को चमड़े की रगड़ से बचाने के लिए, ठीक है, चमड़े की रगड़ से उसको बचाने के लिए क्या पहना जाता था? प्रत्यंचा चढ़ाते समय हाथ के चमड़े से टच होगा तो रगड़ बचाने के लिए हाथों में हस्तघ्न पहना जाता था। हाथों में क्या पहना जाता था? हस्तघ्न पहना जाता था। देखिए यहाँ हस्तघ्न, समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोग को, हस्तघ्न पहना जाता था। ओके, सिर की सुरक्षा के लिए शिरस्त्राण, सिर की सुरक्षा के लिए कुंडल कवच टाइप का रहता था उस समय। देखे ही होंगे लड़ाई में पहले के इतिहास में जो है राजाओं के, तो उस समय शिरास्त्र पहना जाता था। क्या पहना जाता था? शिरास्त्र। दुर्ग एवं किले जिसमें राजा के गढ़ होते थे, उसमें सैन्य अस्त्र होते थे, किले होते थे जिसको भेदना मुश्किल होता था पहले के राजाओं को, तो उसमें दुर्ग एवं किले में क्या हुआ करते थे, कैसे हुआ करते थे, कैसे बनते थे, उसके बारे में हम लोग। दुर्ग एवं किले क्या थे? नवीन प्रस्तर युग तथा विसंधु घाटी की सभ्यता के समय से ही भारत में दुर्ग तथा परिकोटों का निर्माण शुरू हो गया था। फिर से, नवीन प्रस्तर युग तथा सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से ही भारत में दुर्ग तथा परिकोटों का निर्माण शुरू हो गया था। दुर्गों का निर्माण बस्तियों की सुरक्षा के लिए किए, दुर्गों का निर्माण किसके लिए किया जाता था? बस्तियों की सुरक्षा के लिए किया जाते थे। इस काल में इनका निर्माण अनारियों द्वारा किया जाता था। इस काल में इसका निर्माण किनको द्वारा किया जाता था? अनारियों द्वारा किया जाता था। समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को? नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम जो लाइन में जहां पे टॉपिक समझ में नहीं आएगा उस टॉपिक को आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वहां फिर से रिपीट करके हम समझाएंगे। बाद में आर्यों ने उन पर अधिकार कर लिया और उनका प्रयोग अपने करने लगे। बाद में आर्यों ने क्या किया? उन पर अधिकार कर लिया और उनका प्रयोग अपने लिए करने लगे। ठीक है, ये दुर्ग पत्थरों के बने होते थे। ये दुर्ग किससे बने होते थे? पत्थर के, जैसे संगमरमर पत्थर उस जमाने में इसी टाइप से बने, सफेद संगमरमर से बना हुआ ताजमहल, लाल किला लाल पत्थर से बना हुआ है, इस टाइप से बहुत सारे ऐसे हैं जो उस समय दुर्ग का निर्माण पत्थर, उससे तोप और एथी से बड़े बड़े गोली बंदूक से भेदना मुश्किल था, इसलिए दुर्ग पत्थरों के बने होते थे। उस समय क्या था? देखिए उस समय जो है कहाँ थे हम, इस काल में इनका निर्माण आर्यों द्वारा किया था, आर्यों ने उन पर अधिकार कर उनका प्रयोग अपने लिए, ये दुर्ग पत्थरों के बने होते थे। यहाँ थे हम, देखिए ये दुर्ग पत्थरों के बने होते थे। उस समय क्या था? देवराज इंद्र शत्रुओं के दुर्ग को तोड़ने के लिए वज्र नामक अस्त्र का प्रयोग करते थे। इंद्र का तो उल्लेख किया गया है युद्ध के लिए, ठीक है, दशराग युद्ध, दस राजाओं का युद्ध, 100-100 घोड़े लेके चलते। इंद्र दुर्ग को तोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते थे? वज्र नामक अस्त्र का प्रयोग करते थे। देखिए यहाँ वज्र, वज्र नामक अस्त्र का, किस अस्त्र का? वज्र नामक अस्त्र का प्रयोग करते थे। युद्ध कला क्या? युद्ध कला में कैसे निपुण थे? युद्ध कला, देखिए यहाँ युद्ध कला, वैदिक काल में आर्य सेना युद्ध कौशल के क्षेत्र में निपुण थी। वैदिक काल में आर्य सेना क्या थी? युद्ध कौशल में निपुण थी। कौन सेना? आर्य सेना। शत्रुओं की देखिए यहाँ घेराबंदी द्वारा नष्ट करने की कला बहुत प्रचलित थी। शत्रुओं की घेराबंदी करने की कला बहुत ये प्रचलित थी। देवराज इंद्र सदैव सेना के अग्र भाग में
रहकर युद्ध के समय चारों ओर घूम घूम कर युद्ध करते थे। देवराज इंद्र क्या करते थे, सदैव सेना के अग्र भागों में रहकर युद्ध के समय चारों ओर घूम घूम कर युद्ध करते, जिससे सभी दिशाओं से शत्रु से भय न रह जाए और सेना का मनोबल बना रहे, जिससे सभी दिशाओं में शत्रु का क्या रहे, भय न बना रहे और मनोबल बना रहे। ठीक है, राजा ही जब पराजित हो जाएगा तो क्या होगा, सारे सेनापतियों सारे जितने भी सेना नायक हैं सबका मनोबल गिर जाएगा। इसलिए इंद्र जो है उसमें प्रतिनिधित्व करते थे वही राजा, और चारों ओर घूम घूम कर युद्ध करते थे ताकि किसी तरफ से कोई हतोत्साहित ना हो और युद्ध में निपुण पाया जा सके, युद्ध में जीत पाया जा सके। तो इससे क्या होता था, घूम घूम कर युद्ध करते समय जिससे सभी दिशाओं से शत्रु भय ना रह जाए और सेना का मनोबल बना रहे, सेना का मनोबल हमेशा बना रहना चाहिए नहीं तो युद्ध हम लोग हार जाएंगे। इस काल में धर्म युद्ध तथा कूट युद्ध दोनों का प्रयोग किया जाता था, धर्म युद्ध और कूट युद्ध दोनों का प्रयोग किया जाता था। Is that clear? Next, आर्यगण नदी के किनारे सुयोजित तरीके से युद्ध लड़ते थे। आर्यगण नदी किनारे सुयोजित तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से युद्ध लड़ा करते थे। ठीक है, युद्ध में छिपाव पर बल दिया जाता था, युद्ध में छिपाव पर बल दिया जाता, घात लगा के भी युद्ध किया जाता था, युद्ध में निपुण रहना पड़ता था हर तरीके से, नहीं तो युद्ध हार जाए। जैसे आजकल CID है, खुफिया है, उस समय भी हुआ करते थे गुप्तचर। ठीक है, तो इसलिए उस समय भी जो है युद्ध में निपुण रहना हर तरीके से, आजकल का वही रूप जो है आगे चल के यही डेवलप हो गया है और वही चीज रहा है, ना कि कोई ज्यादा बना है, लेकिन पिछले में भी ऐसे ही गुप्तचर व्यवस्था, देखिए जो बता रहे थे हम, आ गया नेक्स्ट टॉपिक, गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था क्या थी, राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य चरों को, गुप्तचरों को, चरों मतलब गुप्तचरों को, चरों को नियुक्त करते थे। राजा को प्रजाजनों के बारे में पूरी सूचना मिलती थी, राजा को प्रजाजनों के बारे में क्या होती थी, पूरी सूचना मिला करती थी। गुप्तचर घूम घूम के और सारे प्रदेश में जो है अपने प्रदेश में गुप्त रूप से सभी का भेद लेते थे, कौन क्या हाल में है, कैसे है, राजा के बारे में कैसी बातें कर रहे चल रही हैं, किससे क्या विचार चल रहा है। इस तरह चर जो है पूरे राज्य में घूम के और उसका व्यवस्था और उसका बारे में पता किया करते थे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बच्चों। राजा जो जनों को प्रजाजनों को पूरी सूचना मिलती थी। ऋग्वेद में दूत के रूप में वरुण को समदर्शी की संज्ञा दी गई। वरुण को किसकी संज्ञा दी गई है, समदर्शी की संज्ञा दी गई है। इज दैट क्लियर। वैदिक काल में नारद दूत सेवा का कार्य करते थे। नारद क्या करते थे, दूत का सेवा का कार्य करते थे। गुप्तचर दूत थे, नारद जी अत्यंत निपुण होते थे। गुप्तचर क्या होते थे, अत्यंत निपुण होते थे। जैसे आजकल SIT है, CID है, CBI है, ED है, उस तरह उस सब में भी गुप्तचर जो होते थे वो भी निपुण होते थे, हर तरह से निपुण होते थे, तभी जो है राज चलता था हर तरीके से। यौधिक वाद्य यंत्र क्या था, जब युद्ध होता था तो उस समय नगाड़ा बजाया करता था, वाद्य यंत्र बजता था। तो देखिए यहाँ क्या, यौधिक वाद्य यंत्र क्या था, वैदिक काल में वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था जिसमें गगन, वैदिक काल में वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था जिसमें गगन जो है भेदी दुदुम्बियम घोषा नामक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। किसमें, गगन एवं भेदी दुदुम्बी, गगन एवं भेद दुदुम्बी और घोषा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था। इनका प्रयोग सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया जाता था। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता था। यौधिक वाद्य यंत्र का प्रयोग सैनिकों का मनोबल बढ़ाने किया जाता। समझ में आ रहा होगा बच्चों, नहीं समझ में आ रहा हो कमेंट कीजिएगा। जलयान या विमान, ठीक है, जलयान या विमान, इसमें क्या किया जाता है, इस काल में असुरों की सहायता के लिए पाताल से जल मार्ग द्वारा असुर सेनाएं आती थी। समझ में आ रहा है आप लोगों को, इस काल में असुरों की सहायता के लिए पाताल से जल मार्ग द्वारा असुर सेनाएं आती थी, देख लीजिए। ठीक है, इज दैट क्लियर। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स बरेली।